अपने अधिकारों को जानना बेहद जरूरी। एक घटना मध्य प्रदेश की, गरीब पर पुलिस कर्मी ने दिखाया रौब, मानव अधिकार आयोग ने मांगा जवाब। भारत में कई स्थानों पर अवैध रूप से शराब बिकने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस की वहां सख्ती नहीं दिखाई दे रही। वहीं जब बुधवार की सुबह एक गरीब युवक ने सुबह 7 बजे परिवार का पेट भरने के लिए गेहूं व साग सब्जी लेने निकला तो पुलिस ने उसे पकड़कर बैठा दिया। जब वह देर रात तक नहीं पहुंचा तो उसका बड़ा भाई सिविल लाइन VC बंगला के पास पहुंचा। वह भाई को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वहां तैनात ASI ने पूरा पुलिसिया रौब दिखाते हुए उसे शासकीय काम में बाधा डालने के जुर्म में गिरफ्तार करने की धमकी दी। अपशब्द कहते हुए ASI ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके भाई का कसूर इतना था कि वह परिवार के सदस्यों को भूख मिटाने के लिए राशन लेने के लिए चला गया था। ASI को थैले में रखी साग सब्जी गेहूं से भरी बोरी दिखाने पर भी वह नहीं पसीजा। पुलिस ने उससे ऐसा व्यवहार किया जैसा कि उसने किसी का गला काट दिया हो। माना कि कोरोना की रोकथाम के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन मानवता कहां गई? इसकी लाचारी का जो मजबूरी को जो जरा समझिए। घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ASI के कृत्य पर सवाल उठते रहे। एडिशनल SP सिटी विक्रम सिंह ने इस मामले में संज्ञान लेने की बात कही है। कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रहे ASI द्वारा राशन लेकर लौट रहे युवक को उसके भाई से दुर्व्यवहार के मामले में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग मित्र मुकेश चौरसिया ने बताया कि सोशल साइट्स पर वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन के इस मामले में IG और SP को नोटिस जारी कर 19 मई तक जवाब मांगा है। कभी भी आपको इस तरह की कोई तकलीफ हो और मानवाधिकारों का हनन दिखाई दे तो उसकी सूचना आप तुरंत अपने राज्य मानवाधिकार आयोग को या केंद्रीय मानवाधिकार आयोग को किया जा सकता है। खबरों का सिलसिला यूँ जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।